अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप हम लोग पार्ट टू पे पढ़ा गया है बैनर बिगेनर सीरीज के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग ये मेट्रो स्टेशन वाला जो सारा सीन है ये करना सीखेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो मेरा ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, आप उनके डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, उनको भी आप फॉलो कर दें, क्योंकि इसका आपको अलर्ट मिल जाएगा कि अगर मैं किसी चीज़ की ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा है, कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहने का चांस दिख रहा है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है हम लोग ए से स्टार्ट करके सब कुछ डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट कर दिया। एक्स दबा के आप डिलीट कर सकते हैं, और मेरी चीज यहाँ पे साइड पर आपको नजर आ रही है, मुझे भी डिलीट करेंगे। वैसे वो जो है एक्स का प्रिंट इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले हम लोग शिफ्ट ए दबाएं, ठीक, मैश लेन को ले आएंगे। टैब दबा के एट में चल जाएंगे, हम लोग थ्री दबा के साइड में भी चल जाएंगे। इसका मतलब ये कि हम लोग इसे लंबाई में लेके जाएंगे और वाई एक्सिस के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक हो गया, टॉप पे चले जाए, चले जाए। और एस वाई 15 कर लें, ठीक है, चलो चले, काफी लंबा स्टेशन हो। और फिर आर 7 दबा के टॉप पे चले जाए, कंट्रोल आर दबा के ये लूप का चाहेंगे, माउस को रोटेट कर, माउस का जो व्हील है ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये लूप कट स्क्रीट होते जाएंगे। तो अब ज्यादा सारे लूप कट स्क्रीट करें जितने आपको सही लगता है, मेरे हिसाब से काफी। और डबल माउस को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से फाइनलाइज हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो इसके बाद ए से डिस्लेक्ट सब कुछ करते हैं, और फिर ओ से दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर दें। और इसकी ड्यूटी पर सेटिंग स्मूथ वाली है, हम लोग यही यूज करेंगे क्योंकि तो अभी एक हमें यही चाहिए। इससे हम लोग की जो इसकी शेप है ना वो क्रिएट करेंगे। तो मैं ले लिया था। तो अगर आपको रेफरेंस की जरूरत है तो आप इसे रेफरेंस इमेज के तौर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं रेफरेंस कर सकता हूँ, लेकिन रेफरेंस आपको बता ही दूँ उसकी जरूरत चीज है। तो आप सबसे पहले एड ऑन लेवल आपको करना पड़ेगा। ये एड ऑन आमतौर पर एड ऑन प्रेफर करता हूँ कि लेट स्टार्ट किया जाए, लेकिन ये एड ऑन ऐसा जो आपको स्टार्ट में चाहिएगा। तो चाहे एडिट प्रेफरेंस में स्क्रिप्ट में ठीक हो गया। और की मैप जो आप देख रहे हैं, अगर आपको लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे, ए से टॉगल करेंगे, ठीक है, और इस पे सर्च बार करेंगे तो एड ऑन पर चल जाते हैं। और फिर इसके ऊपर यहाँ पर टाइप करें IMG जस्ट कहेंगे डिफॉल्ट एड ऑन इंस्टॉल हुआ था, बस आपने टिक कर देने से यहाँ पे स्टडी इनेबल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसे हम लोग करते हैं शिफ्ट ए, इमेज यहाँ पर रेफरेंस कर देते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस इमेजेस जो है ना, जो बेसिक ये इमेज है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आपको कम से कम ये मिल जाए। ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा था, डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से। तो जैसे आपको पहले पड़ी हुई थी, आई थिंक इसका नाम क्या है, और इसके नेटिंग ट्रांसफॉर्म का भी बहुत ज्यादा के रिस हो जाए, इसके ट्रांसफॉर्म सारे हम लोग धीरे कर देते हैं। ये हो गया, एक्स के ऊपर 90 कर देते हैं, और फिर जेड एक्सिस के ऊपर भी 90 कर देते हैं। तो इस तरह से ही आपको क्या कर देगा, आपने करना क्या है, और एक्स का स्केल कर देने से उतना जितना हमने ये जो ट्रेन है उसके बराबर नहीं, वैसे उससे भी ज्यादा बड़ा, क्योंकि बेसिकली ये जो प्लेन हमारा पड़ा हुआ है ना, ये और ये स्टेशन की साइज सेक्शन से हमारा तो इससे इतना स्केल करते थे, ये प्रॉपर्टी इतना बन रहा है, इतना ठीक है, पर क्लोज ना पड़ा सिंह होना चाहिए। तो इसकी आप ओपेसिटी को आप एडिट करना चाहें तो कट ऑफ इस टैब में चलते हैं। ठीक है, तो आप इसकी जो है ट्रांसपेरेंसी को इनेबल कर लें, और ओपेसिटी में 0.5 कर देता हूँ। एक हो गया, आप इसे साइड यू करें और टैब दबा के एडिट मोड में चलते हैं। ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, जी सेलेक्ट से लेकिन इतना तक रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया, और ए से जी सेलेक्ट ऑल करते हैं, और ये जो है ना एच सेलेक्ट मोड इसे सेलेक्ट करें, ये जो नजर आ रहा होगा आपको मेरा बहुत सारे था, तो इसे सेलेक्ट करें और यहाँ से एक एच सेलेक्ट कर लें जो सेंटर ऑफ प्लगइन में से कोई एक चीज लग रही है। प्रोपोर्शनल राइटिंग ऑफ ऑन होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल राइटिंग ओ से ऑन होगी, और फिर जी सेलेक्ट करें, और ये देखें आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है, ये जो सर्कल नजर आ रहा है इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। तो फिर से हम क्या करते हैं, जी जेड, और मैं माउस को जब स्क्रॉल करूंगा तो उसका एरिया देखिए इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया, और फिर यहाँ से जो है ये नुकसान नीचे आए सेलेक्ट किया, और फिर से जी जेड से उसे नीचे ले आए, ठीक, और फिर ये लास्ट पार्ट है नुकसान थोड़ा ऊपर जाए, तो उसी तरह से जी जेड से ऊपर ले आए। तो अभी देखिए थोड़ा फाइन नहीं लग रहा, तो इसके लास्ट पार्ट को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक, और जी जेड से ये अब देखें ज्यादा सर विचार करें,
इतना ठीक रहेगा। तो से यहाँ से भी इसका थोड़ा ये हिस्सा टेढ़ा लग रहा है। स्मूथ सा है ना, इस तरह की बेसिक शेप जो मिलना है, इस तरह से आप शेप बना लें, ठीक हो गया। तो अब रेफरेंस में मैं तो मुझे इतनी चाहिए नहीं, तो मैं तो इसे ट्राई कर रहा हूँ एडिट में, दोबारा आगे से सेट करके ट्रांसपेरेंसी की जरूरत रहता हूँ, मुझे अभी के लिए ये चाहिए नहीं। तो इसे वापस स्टैक करें या तो एडिट मोड पर चल जाए, ए से स्टैक ऑल करें और इसे एस एक्स प्रोपोर्शनलिटी में आप कर दें और दबा के, तो एस एक्स दबा के से थोड़ा थोड़ा ही इंक्रीज कर दें, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा सेशन जरूर थोड़ा होगा था, पता तो होना नहीं है। फिर जो है इसका जो है वर्टेक्स सेगमेंट से सिलेक्ट करें, फिर आपको सिलेक्ट हुआ होगा सीधा से, ठीक। और साइड में चले एम एम टी को मैल से वापस बुला लेते हैं रेफरेंस के तौर के ऊपर। तो मैं चार पॉकेट में वापस पा रहा था, और जो एम टी इमेज है उसकी ट्रांसपेरेंसी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। फिर सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करें, टैब लॉक एडिट मोड में चल जाए, और फिर क्लिक करें ई जेड ताकि वो लॉक हो जाए जेड एक्सिस के ऊपर, और हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसे ऐसा करेंगे एग्जैक्टली करेंगे ना, ई जेड से देखेंगे इस तरह से हो गया, जिसकी थिकनेस है वो क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। और फिर आप लिख सेलेक्ट करना है, फिर से एक बार ना ई एक्सट्रूड करें और ये नीचे ले गए, और फिर राइट क्लिक करके कैंसिल करें ट्रांसफॉर्मेशन को, फिर एस शिफ्ट जेड करके इसे थोड़ा सा अंदर ले जाए, और फिर सिर्फ एस एक्स करें ताकि वो और ज्यादा ही अंदर चला जाए। और इस तरह से इसकी जो बेस है वो तकरीबन तैयार हो जाएगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स का हमें फिर से अभी भी एडिट करना पड़ेगा मैन्युअली। तो ये देखिए अभी इसकी फॉर्म थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, तो उसे मैन्युअली में थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्ट करें और सी दबाएं, ये जो पॉइंट्स हैं इसके की फॉर्म से लग रहे हैं, जो टेढ़े लग रहे हैं स्टक करते थे, थोड़ी बहुत मैनुअल एडिटिंग करनी पड़ा करेगी आपको, तो चार्ट से अगर आप उसका ज्यादा बेहतर है, और इसे जी जेड करके फॉर्म कर देते हैं। अभी देखें वो साइड बाहर निकल गया, तो उसमें आर कर देता हूँ रोटेट, और वो आप उसके अंदर शिफ्ट किया है, इसका मैं चाह रहा हूँ। और ये इस तरह से, और उसी तरह से ये देखें ये वेजेस बाहर आ रही है, मैं चाह रहे हैं सारी बाहर ना आए, तो सी से शिफ्ट आगे आप जिस लेक भी कर सकते हैं। तो इन्हें मैं जी जेड नीचे ले जाता हूँ, तो ये सब विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसलिए इतना नीट से नहीं कर रहा, ये साइड्स हैं वो विजिबल होंगी, तो उनका जो है नीट होना जरूरी है। फिर सी दबा दें, और फिर जी जेड से उन्हें थोड़ा सा ऊपर से कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसकी ये जो बेसिक शेप्स है वो तकरीबन रेडी है, बाकी एडिट मोड वापस से लेते हैं, जैसे जी सेलेक्ट सब कुछ करें, और फिर सी से ये सारा अंदरूना रिंग है वो सेलेक्ट करते जाएं, शिफ्ट बाकी इस लास्ट पार्ट में सेलेक्ट करना हमने, शिफ्ट बाकी क्लिक करेंगे तो जी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे स्टार्ट करते जाते हैं। तो फिर इससे करें ई जेड का जो लॉक जेड एक्सिस में, और उसका यू नीचे लेके आते हैं, ठीक हो गया। अब ये नीचे से पक्का फिट एरिया मिला, तो हम करेंगे एस जेड 0 और ऑटोमेटिक सीधा हो गया। तो अभी कोई भी देखिए नजर आ रहा है, मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे होता, तो मैं इन पॉइंट्स को मैन्युअली शिफ्ट से सेलेक्ट करते थे, ठीक। और तो आप एडिट करते जाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी फाइन डिटेल्स हैं जिनकी वजह से काफी फर्क पड़ता होता है। शिफ्ट से सेलेक्ट किया जी जेड ऊपर ले गया हम लोग, इसी तरह से दूसरे पॉइंट्स को भी सिलेक्ट करते गए। मैनुअल एडिटिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, जब आप अगर आप कभी कैप्चर एनिमेशन में गए तो उसमें भी आपको काफी मैनुअल एडिटिंग करनी पड़ती होती है। तो अब ये देखें तकरीबन ठीक लग रहा है, एमटी को वापस ले आते हैं। तो अब स्टेशन काफी डिफरेंट लग रहा है, वो उसे ध्यान ना दे उसके ऊपर ज्यादा बैक नहीं, उसके ऊपर वो दूर से है, वो प्रॉपर रेफरेंस नहीं है। तो
उसके लिए अभी के लिए हम लोग से क्लिक कर रहा हूँ छुपा रहा हूँ। एक दूसरा जो बॉर्डर प्लेस है जेड वायर फ्रेम चल रहे एक एक ये रजिस्टर कॉल करें और बी से बॉक्स तक करें सारे चला सागर और उसे जी जेड को ऊपर ले जाए तक वो इतना ठीक रहेगा स्टेशन ठीक हो गया। तो अब से अब शेड्स मोड कराया तो आप काट सकते हैं सिलेक्ट करके शेड्स मोड कराया काट सकते हैं। मैं शेड बैठे रखूंगा इसे और इसे जो है हम लोग दो मटेरियल असाइन करेंगे अभी के लिए ठीक हो गया। जो डिफॉल्ट मटेरियल भी बने हैं ठीक है तो इसका नाम रखते हैं स्टेशन रूफ। एक और जो दूसरा मटेरियल है वो होगा स्टेशन विंडोज और जो स्टेशन रूफ है इसको अभी हम लोग बस जो बेस कलर है वो करेंगे प्रॉपर जो मटेरियल बाद में हम लोग बनाएंगे जो उसका सही प्रॉपर बना हुआ है अभी फिर इसका बस कलर रेड कर दें ठीक। और इसका जो स्टेशन विंडोज है वो सेम रहने हम लोग बाद में रेड करेंगे टैब पाके एडिट मोड में चल जाए और जेड मटेरियल भी चल जाते हैं हम लोग ठीक। तो अभी डिफॉल्ट आपको स्टेशन रूफ वाला मटेरियल मिला हुआ है तो वो ठीक है हमारे लिए भी ज्यादा आसानी होगी। जेड वायर फ्रेम चल जाए बी फेस लैक मोड चल जाए और बी से बॉक्स सेलेक्ट करें निचला सा सेलेक्ट हो जाएगा ठीक। और फिर स्टेशन विंडोज वाला से इसे सेलेक्ट करें उसे साइन क्लिक करें फिर एडिट मोड दबा रहे सॉलिड मोड में चल जाए और फिर मटेरियल व्यू में देखें तो ये देखें निचला सा जो है वो इसमें स्टेशन विंडोज वाला मटेरियल आ गया और जो ऊपर इसका रूफ वाला मटेरियल है वो आ गया। तो इसके बाद अब हम लोग कलेक्शन देते हैं ये ऑर्गेनाइजर में काफी बेहतर रहेगी आगे भी हम कलेक्शन का सही प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करेंगे और इसका नाम डेक कभी के लिए रख लेंगे बाद में हम लोग से डिलीट करेंगे अभी के लिए हमें बस ये चाहिए। तो इसका ठीक है शिफ्ट ए अब हम लोग बनाने वाले हैं जो ये प्रॉन्ग्स टाइप की चीजें जो है ना ये हम लोग बनाने वाले हैं लेकिन उससे पहले घर से जो स्टेशन है जो बैक साइड है वो हम लोग कम्प्लीट करते हैं। तो फेस लेक मोड से जो पिछला फेस है सेलेक्ट करें रेड सेलेक्ट करें सब डिवाइड करें फिर जो ये एक्सलेक्ट मोड है इसकी ये दो एजेस हैं सिर्फ ये सेलेक्ट करें और जी जेड से ऊपर ले जाए तकरीबन इतना ठीक। और फिर ई वाई क्लिक करें और इसे साइड के ऊपर मूव करते हैं तकरीबन इतना ये ऊपर से देखें आपसे टर्न कराएगा फिर फेस लेक मोड में चल जाए और इन दोनों फेसेस को क्लिक करें और ई जेड वाई और इसका नीचे आ जाएगा। तो ये ऊपर वाले फेसेस आई थिंक ये अब एजेस हैं आई थिंक विजिबल रही नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये ऊपर वाले एजेस हैं ये अपने के हमने एक्सट्रूड से काटे तो वो ब्लैंक कर लेंगे तो साइड वाले एजेस को क्लिक करें फिर इस एज को सेलेक्ट करें शिफ्ट वाके सेलेक्ट करते हैं हार को इस वाले एज को सेलेक्ट किया इस वाले एज को सेलेक्ट किया और फिर क्लिक करें एफ को और ये बहुत जो आपको नजर आ रहा है वो आई थिंक 2.8 के वर्जन भी थोड़ा मसला कर रहा है उन्होंने मसला क्या लेकिन और तो अभी जो है हम रजिस्ट्रेशन की ये चीज़ का बना ली है ठीक। तो अब हम लोग जो बाकी प्रॉन्ग्स हैं ये जो है वाइट वाइट से ये हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप ये टेक वाला सिलेक्शन से सेलेक्ट करें ठीक शिफ्ट ए मैश क्यू उसे जी तो बाकी जेड एक्सिस के ऊपर ऊपर से और अगर आप स्टेशन बहुत लंबा करना चाहते हैं तो बेशक से एस वाई करें तो ये बहुत ऑटोमेटिक स्टार लंबा आ जाएगा इससे वक्त ऊपर इस तरह ये देखें और लंबा हो गया और वीडियो स्ट्राइक एक लगा तो मैं इसे स्टार रन दूंगा क्यों कुछ चेक कर लें फिर से ठीक सेवन से टॉप के ऊपर चले जाएं आसान भी क्या लेकिन मैं आपको चाहूँ तो आप ज़्यादा इजी तरीके से कर लें ज़्यादा बेहतर रहेगा उसका से तो दूसरा तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो टैब वाला गेट मोड में चले जाएँ फेस लैक मोड में चले जाएँ साइड वाला गेट फेस है ठीक सेवन से टॉप के ऊपर देखिए एक्सेस इस तरह है तो मैं अभी से करूँगा जी एक्स थ्री एक उसके बराबर आ गया तो उसी जैसे अगर ये पॉजिटिव थ्री है तो ये साइड नेगेटिव थ्री होगी इस वाले फेस को सेलेक्ट किया तो फिर जी एक्स माइनस थ्री तो ये अब उस तरफ सॉरी ये नहीं करना था ई एक्स माइनस थ्री तो ये अब उस तरफ मूव हो गया इस वाले फेस को सिलेक्ट कर लें जो वाई वाला वाई साइड का फेस है तो ई वाई थ्री तो उसी तरह से ये जो फेस होगा ई एक्सक्लूड के लिए वाई माइनस थ्री तो ये अब उधर हो गया वो हो गया फिर अब हम लोग जी से एक्सेप्ट आउट करते हैं और जो है ये एच टैक मोड से चल जाते हैं और फिर क्लिक करें कंट्रोल आर ठीक हो गया और इससे ये जो अब ये देखिए ये जो स्क्वेयर बन रहा है इसको ये जो स्क्वेयर लाइन आ रही है हल्की सी
इसकी सारी दरारें तो अब सब जो इस दरारें इंसानों को मूव करेंगे, तो कंट्रोल आर दबाए तो इससे यहाँ पे यू मूव कर दें, तो उसी तरह से कंट्रोल आर करके यहाँ पे भी उसी तरह से अप्रोक्सीमेट सा करना चाहते हैं। ये दूर से हम लोग सीन को क्रिएट कर रहे हैं तो इतनी एक्यूरेसी डिपेंड करता है, ज्यादा एक्यूरेट होना चाहता है क्लिपिंग मिलती है। ठीक हो गया, ये सारे प्लेस हो गए। अब क्योंकि बहुत मोटा लग रहा है मुझे, तब सामने तो ए से स्टेक करें फिर एस जेड कर दें, स्केल जेड एक्सिस के ऊपर करें तो ये देखिए थोड़ा पतला हो जाएगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। फिर फेस लेक मोड चल जाए, डिसलेक सब कुछ करें, स्टेशन जो है इसे साइड कर दें, क्योंकि जो नीचे से जो है निचले फेसिस में ये सिलेक्ट करें। ठीक हो गया, और फिर ने करें ई जेड से नीचे ले आए स्टेशन को वापस विजिबल हम लोग करते हैं, तो इन स्टेशन से बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली, तो जी जेड से स्टेशन से इतना नीचे भी ले आए क्योंकि हम लोग बाद में उसकी जो बेस है वो ऐड करेंगे तो वैसे भी हाइड हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक यूनिट क्रिएट हो गया है। ठीक, और अब इसे रोटेशन कब करते हैं, तो इसे जेड के ऊपर 45 डिग्री के ऊपर रोटेट सा करें, इसका करना ज्यादा सही रहेगा, उसका आप रोटेट करते हैं आपको मसला होगा। तो साइडों पर चल जाते हैं, तो इसे बाद में हम लोग कंबाइन कर लेंगे सेशन के साथ, उसके अभी नेमिंग करने की जरूरत नहीं है। इसे शिफ्ट डी जी वाई क्लिक करें और इसे यहाँ पे मूव कर दिया, उसके साथ शिफ्ट डी जी वाई इसे भी सब ऊपर, ये तीन स्टार बन गई है जो उसके डेकोरेशन टाइप फॉर्म टाइप की चीज थी। ठीक, और उसके बाद अब हम लोग जो है बाकी इस तरह के जो है वो ऐड करेंगे, लेकिन ज्यादा सिंपल होंगे। तो उसका तरीका ये है कि उसी तरह से शिफ्ट ए मैश क्यूब ने थ्री साइड पर चलेंगे, जी एक्स जी वाई से हम लोग से यहाँ पे ले आते हैं इस साइड के ऊपर, और इसे एस शिफ्ट जेड करते हैं ताकि वो पतला खड़ा हो जाए, इतना पतला जैसे ज्यादा ज्यादा वो, क्योंकि ये वैसे भी छुप जाते हैं अंदर से जैसे मोटे लगते हैं, लेकिन ये तो सारा शॉर्ट होता है जैसे, और फिर से एस जेड करके ऊपर ले। ठीक है, और फिर वन से साइडों में ऊपर चले, और फिर जी एक्स से एक साइड में ऊपर दें, फिर शिफ्ट डी जी एक्स वाई और फिर इसे सेट करें शिफ्ट डी जी एक्स, याद रखिएगा इस तरह से, और फिर शिफ्ट बाकी दोनों को सिलेक्ट कर लें क्योंकि दोनों सिलेक्ट हुए हैं, फिर साइड में ऊपर चले जाता हूँ और शिफ्ट डी जी वाई क्योंकि मैं वाई किसको मूव करना चाहते हैं तो बना दिया। ठीक, और फिर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, उसे जी जेड से नीचे मूव करते हैं थोड़ा बहुत, और एस जेड कर देते हैं, जी जेड से ऊपर ले आते हैं एस जेड, तो आपको बार बार एडिट करना पड़ा करेगा, काफी मॉडलिंग में चलते हैं एडजस्ट करनी पड़ती है बार बार, वो पहली बार ही अगर आपको लग रहा है कि साइड सही बनेगी ऐसा नहीं होने वाला। फिर इन्हें भी शिफ्ट जी वाई मूव करते हैं, ठीक ये यहाँ पर और एस जेड से थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, जी जेड नीचे मूव करता हूँ, फिर उसी तरह से शिफ्ट जी वाई से मूव करती है एस जेड से थोड़ा सा ऐसा बड़ा करता है, नीचे से बेशक रंग में कह रहा हूँ कि बाद हम लोग बेस में आएंगे तो वैसे भी हाइड हो जाएगी, लो पॉली स्टाइल में तो इस पे प्रोपेशन काफी भर देती है, स्टार्ट में लो पॉली स्टाइल ही रखना बेहतर है। तो शिफ्ट जी जी वाई इसे यहाँ पे मूव कर देते हैं, और फिर एस जेड से इसे यहाँ पे छोटा छोटा कर दिया, फिर शिफ्ट जी वाई साइड पे मूव कर देते हैं ये यहाँ पे, और एस जेड से इसे भी छोटा छोटा कर दिया और जी जेड से मूव कर दिया। अभी देखने में कंडीशन से लगेगा हाथ में, और अब हम लोग जो है इनका जो है मटेरियल वो बनेंगे, वो मटेरियल बिल्कुल इनका बिल्कुल सेम बेसिक जो व्हाइट है वो रखा था, तो इसे एक को सेलेक्ट करें नेम क्लिक करें, जो बेस मटेरियल है बस उसी को फुल व्हाइट कर दें। ठीक, और ये हम लोग कहेंगे रॉन्ग मटेरियल, तो यही मटेरियल अपना इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से क्लिक करते ही सेलेक्ट कर दें, और इस तरह से बाकी सबको भी मटेरियल ही रॉन्ग वाला जो है देंगे, ये सारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये वाले प्रॉम्प्ट्स हैं सबको सेम मटेरियल की दिया जाएगा, तो जिसको नेम करके का फायदा होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी जो है ये बेस और ये जो रोड है शेड्स के ऊपर काम करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।